उप स्वास्थ्य केंद्र का मंदिर आ, आ गए हैं एक कमरे में और ये जो आप देख रहे हैं ये उप स्वास्थ्य केंद्र जो है ये मवेशियों का चारा रखने के लिए जो है अब ये स्थान बन चुका है आप यहाँ देखिए क्योंकि यहाँ पे ना डॉक्टर आते हैं ना नर्स आते हैं कई वर्षों से ये खाली पड़ा हुआ है उप स्वास्थ्य केंद्र और इसकी वजह से गांव वालों ने अब इस भवन का जो है इस्तेमाल किया कैसे तो मवेशियों का चारा रखने के लिए जो है इस उप केंद्र को अब इस्तेमाल में लाया जा रहा है हम लोगों ने एक खबर दिखाई जहां बताया हम लोगों ने किस तरीके से बनगांव के एक उप स्वास्थ्य केंद्र में खंडहर में तब्दील हो चुका है और वहां भूसा भरा है और इस खबर के चलने के बाद सरकार ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और आलोक रंजन जो कि मंत्री हैं उन्होंने भी इसको लेकर कार्रवाई के निर्देश आपने दिए हैं आलोक रंजन जी जी हाँ निश्चित रूप से आपके खबर देखने के बाद मैंने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभी सहरसा के सिविल सर्जन और जिस पीएससी का वह उपकेंद्र है बरियाही पीएससी के प्रभारी दोनों से हमारी बातचीत हुई है सफाई करवा दिया गया है और आगे भी हमारा निर्देश हुआ है कि उसमें वहाँ पर कम से कम आने वाले समय में वैक्सीनेशन का वह सेंटर चालू हो जाए क्योंकि अभी के समय में जितने भी उप केंद्र हैं और अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हैं इससे चूँकि कोविड महामारी में जो हमें अचानक पीएचसी और जिले पर प्रेशर होने के कारण मैन पावर के कारण अभी जितने भी पी एच उपकेंद्र और अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हैं उसको हम लोग अभी बंद करके और पी एच सी और जिला में उस बल को लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा कोविड महामारी के कोविड के पेशेंट को के इलाज के लिए हम लोग लगाए हुए हैं लेकिन जो भी उप केंद्र हैं सहरसा जिला के हमने अभी सिविल सर्जन से भी बातचीत किया है और डीएम से भी हमारी बातचीत हुई है और हमने उनसे कहा है कि जो भी उपकेंद्र है जिले भर में सब जगह जो वैक्सीनेशन का हमारा 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा तो उसमें उस सभी उपकेंद्र पर हम लोग वैक्सीनेशन के लिए का काम शुरू करवाएं ऐसा हमने अभी यहाँ के सिविल सर्जन को निर्देश दिया है लेकिन बड़ी अजीबोगरीब सी खबर थी जो हम लोग दिखाया कि भूसा भरा रहे मतलब एक उप स्वास्थ्य केंद्र में देख के बहुत तो हैरानी और परेशानी भी होती है, है। नहीं देखिए आपने दिखाया निश्चित रूप से अभी चूंकि कुछ दिनों से स्वास्थ्य उप केंद्र बंद है और मैंने आपको बताया कि वह कोविड के कारण हम लोग जो भी मैन पावर है उसको पी एस सी और जिला केंद्र पर ज़्यादा पावर की आवश्यकता है इसलिए हम लोग उसको बंद किए हैं लेकिन इससे पूर्व भी मैंने अपने जितने भी हमारे क्षेत्र के उपकेंद्र थे स्वास्थ्य उपकेंद्र थे और अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हैं सब जगह कई जगह तो काम आप देखेंगे वहीं पर बगल में बनगांव दक्षिणी का जो उपकेंद्र है उसमें रिपेयरिंग का काम चल रहा है तो मेरे द्वारा संज्ञान लेकर के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र और अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र को चालू करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे लेकिन संजोग से अचानक इस कोविड महामारी के कारण जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं में लगे हुए लोगों की के कमी के कारण जो हम लोग सबको पीएचसी और जिला में हम लोग लगाए हैं इस कारण से कोई कमी रह गई है लेकिन आपके खबर के संज्ञान के बाद हम लोगों ने उस व्यवस्था को भी दुरुस्त दुरुस्त करने में अपने आदमी को लगा दिया तो अब वहाँ पे वैक्सीनेशन होगा या फिर अभी टेस्टिंग कराएंगे नहीं हम लोग देख रहे हैं व्यवस्था उसको लेकिन अब हम लोग उसको जो है सो सफाई करा करके हमने कहा है यदि मैन पावर चूँकि अभी कुछ कारण से स्वास्थ्यकर्मी भी ए, दो दिन से हड़ताल में है तो इस कारण से भी कुछ कमी है हमारे पास मैन पावर का टेक्नीशियन का तो इसके बाद जैसे ही ये समाप्त होगा तो हमारा है कि वहाँ पर टेस्टिंग का काम भी हो और दूसरा वहाँ वैक्सीनेशन का भी काम हो दो में से कोई एक काम हम लोग शुरू करेंगे तत्कालिक और जैसे ही यह कोविड महामारी से हम लोग निकलेंगे तो जो जिस प्रकार से स्वास्थ्य उपकेंद्र में जो एनएम एन के साथ जो दवाइयाँ जितना उपलब्ध रहने की व्यवस्था है उसको भी हम लोग सुनिश्चित कराएंगे तो आज तक में खबर दिखाई थी कि कैसे उप स्वास्थ्य केंद्र में जो है वह भूसा भरा हुआ है और इस खबर का असर हुआ है मंत्री आलोक रंजन ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और उनके निर्देश पर वो बता रहे हैं कि वहाँ सफाई भी करा दी गई है और जल्द उस उप केंद्र को फ़िलहाल अभी टेस्टिंग के लिए शुरू किया जाएगा और वहाँ जल्द जो है टीकाकरण का काम भी जो है वो शुरू होगा कैमरा पर्सन आनंद कुमार और धीरज कुमार सिंह के साथ रोहित सिंह सहरसा आज तक